हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय जी के स्टडी। एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 क्वेश्चन CISF से रिलेटेड और भी एग्जामिनेशन में, जैसे RPF एंड RRB एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो जीके है, आपको पता है, कुछ भी कहीं भी से भी पूछ लिया जाता है। सो दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज़ बीन ऑकर्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ CISF एंड RPF एज वेल। शुरू करते हैं। एंड वन थिंग दैट इफ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल येट, बट वैसे कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, किस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए थे? चार ऑप्शन है जिसका राइट आंसर रहेगा न्यूटन। गति के तीन भौतिक नियम हैं जिन्हें आइज न्यूटन द्वारा सर्वप्रथम अपने शोध प्रबंध फिलोसफी नेचुरलिज प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स में संकलित किया गया था। इसे सर्वप्रथम 1687 में प्रकाशित किया गया था। ये नियम वस्तु और उस पर कार्य करने वाले बल और उन बलों की प्रतिक्रिया में इनकी गति के मध्य संबंध का वर्णन करते हैं और स्थापित यांत्रिकी की आधारशिला का निर्माण करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, दाब, कार्य, प्रणोद, घर्षण। राइट आंसर रहेगा प्रणोद। एंड इसका एक्सप्लेनेशन है, नीचे दिया है, किसी सतह के लंबवत वस्तु पर लगने वाले बल, प्रणोद, थ्रस्ट भी कहते हैं इसको, कहलाता है। ये आइजक न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम द्वारा मात्रात्मक रूप से वर्णित एक अभिक्रिया बल है। बल और इसी प्रकार थ्रस्ट को अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली SI में न्यूटन के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मानक नहीं है? चार ऑप्शन है, गति, घनत्व, संप्रेक्षित घनत्व, त्वरण। इसका राइट आंसर है संप्रेक्षित घनत्व। संप्रेक्षित घनत्व दी गई संदर्भ राशि के घनत्व और पदार्थ के घनत्व इकाई मात्र के द्रव्यमान, ब्रैकेट में इसका मैंने वो एक्सप्लेनेशन दिया है, का अनुपात है। इस प्रकार यह एक विमारहित राशि है और इसकी इकाई नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सफारी एक प्रकार का क्या है? इसमें चार ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउजर है, प्रिंटर है, इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर है टू, सफारी वेबकिट इंजन पर आधारित एप्पल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। ये एप्पल डिवाइस पर एक डिफॉल्ट ब्राउजर है। आपने देखा भी होगा, एक एप्पल के अंदर जो है एक सफारी नाम का ब्राउजर होता है। ये एक विंडोज वर्जन है जो अब बंद हो गया है। ये वर्जन 2007 से 2013 तक उपलब्ध था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण धातु का नहीं है? कठोरता, चमकीला, आघात, वर्णीयता, ऊष्मा की कुचालकता। तो इसका राइट आंसर है ऊष्मा की कुचालकता। धातु ऊष्मा के सुचालक है। इसका कारण है कि धातु आयन धातु जाली में घनिष्ठ रूप से बंधे होते हैं और इस प्रकार ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक अधिक कुशलता पूर्वक हस्तांतरित होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता ऊष्मा के हस्तांतरण को सरल बनाती है और इसे ऊष्मा का एक अच्छा चालक बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है? चार ऑप्शन है, अम्लीय, क्षारीय, न्यूट्रल, अत्यधिक अम्लीय है। तो जिसका राइट आंसर है क्षारीय। एंटासिड औषधि, मतलब एंटासिड एक्चुअली में है क्या? सबसे पहले ये एक औषधि का एक वर्ग है जो एक अम्ल को पेट में उदासीन करता है। इसमें संघटक जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम अंतर्विष्ट होते हैं जो पेट के अम्ल को प्रवाहहीन करने और पीएच को कम करने हेतु क्षार के रूप में कार्य करते हैं। ये तुरंत करते हैं कार्य। और एसिड रिफ्लेक्स हृदय की जलन या अपच के लक्षणों से छुटकारा दिलाने में प्रयुक्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिकीय केंद्र के घटक क्या होते हैं? चार ऑप्शन है, केवल इलेक्ट्रॉन, केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर है थ्री, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों। परमाणु केंद्रक, परमाणु के केंद्र पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना एक छोटा घना क्षेत्र है। इसकी खोज 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा की गई थी, जो 1909 के गेगर मार्सडन स्वर्ण पर्णी परीक्षा पर आधारित था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रक का निर्माण करने हेतु परमाणु बल द्वारा एक साथ आबद्ध होते हैं। सो द आठवां क्वेश्चन विल बी, ऋण आयन कैसे बनते हैं? चार ऑप्शन हैं, इलेक्ट्रॉन के संयोजन से, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से, प्रोटॉन के संयोजन से, प्रोटॉन के निष्कासन से। राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन के संयोजन से ये बनते हैं। और एक्सप्लेनेशन है नीचे, ऋणायन ऋणात्मक आयन होते हैं जो तब निर्मित होते हैं जब अधातु परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ये इलेक्ट्रॉनों के योग द्वारा निर्मित होते हैं। इसका नाम एनियॉन इसलिए पड़ा क्योंकि ये विद्युतीय, विद्युत क्षेत्र में एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। परमाणु विशिष्ट इलेक्ट्रॉन इसलिए प्राप्त करते हैं जिससे उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास बना रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज बेस्ट कंप्यूटर में दो फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि उनके नाम भिन्न हो लेकिन समान तिथि को क्रिएट किए गए हो, उनके नाम भिन्न हो लेकिन फाइल टाइप समान हो, उनके नाम समान हो और फाइल टाइप समान हो, उनके नाम समान हो लेकिन फाइल टाइप भिन्न हो। इसका राइट आंसर रहेगा उनके नाम समान हो और फाइल टाइप समान हो, तब उस कंडीशन में जो है वो फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं रह सकते हैं। विंडो आधारित कंप्यूटर में एक ही फोल्डर में समान नेम और फाइल टाइप की दो फाइलें नहीं हो सकती हैं। जब समान नाम और फाइल टाइप वाली फाइलें जो पहले ही से फोल्डर में सेव है को सेव किया जाता है, तो विंडो यूजर को तुरंत फाइल का नाम बदलने के लिए, रीनेम करने के लिए एक आपने देखा होगा ऑप्शन आता है। फाइल को कॉपी के रूप में रखने की सलाह भी देता है वो, तो इस टाइप कह रहा है। चलिए पढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 10। लेट्स सी, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैव घटक है? ऊर्जा, विकिरण, जल, हरित पौधे। राइट आंसर है हरित पौधे। जैव घटक सजीव घटक है, परितंत्र को आकार प्रदान करते हैं। जैव घटक के उदाहरण में जंतु, पौधे, फफूंदी और जीवाणु इत्यादि को शामिल किया जाता है। अजैव घटक जैसे निर्जीव घटक हैं जो परितंत्र को प्रभावित करते हैं, तापमान, वायु धाराएं और खनिज अजैव घटक के उदाहरण हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हो, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ओके, और मेरी भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।